like to repeat this. An idiot and a beautiful liar. काफी लोग अपनी जिंदगी के साथ कनेक्ट कर सकते होंगे क्योंकि मैं तो कर पा रही हूँ, पर मैं इडियट थी या लायर ये मुझे समझ नहीं की तालियों के साथ बुलाते हैं गॉर्जियस ब्यूटीफुल शिप्रा सुर। वेलकम मैम। जो आज का है वो देखकर, आपकी ज्वेलरी देखकर तो लगता है आप आउटस्टैंडिंग थ्रू आउट हो, कॉस्ट्यूम डिजाइनर एंड ज्वेलरी डिजाइनर, थैंक यू सो मच। पर प्रोड्यूसिंग में कैसे रहा आपका अनुभव? एक्चुअली ये बोलने से मेरा हस्बैंड का नाम ही पहले आना चाहिए। पहले नाम उनका ही आना चाहिए क्योंकि नाम के हिसाब से तो मेरा नाम देना पड़ा, वो अलग रीज़न है। लेकिन मेरे को इंस्पायर किया उन्होंने बाकी सब काम के लिए, वो बोलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा जो डांस को जो उन्होंने ये फिल्म के लिए सिलेक्ट किया कि मैं कर सकती हूँ ड्रेस के लिए ज्वेलरी के लिए, ये सभी उनका ही नाम लेना पहले आना चाहिए। तो घर का माल की, घर का मालिक का कोई वैल्यू नहीं है जब तक वो घर का माल की उधर का माल रियल मालिक ना हो। इट इज द सेम थिंग, शी इज द रियल प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी एंड मैं जस्ट एक राइटर हूं सिंपल। तो उनको जो जो बेस्ट आते हैं तो शी डिड द बेस्ट फॉर आवर मूवी। धन्यवाद घराना। वी वुड लाइक टू थैंक आवर कंपोजर सजीव जी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग हर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, फॉर giving her, for selecting her and as well as for contributing yourself over here. Thank you very much. Ek baar zordaar taaliyan please Sajeev ji ke liye. And to tell you about this movie and all for the Malayalam song. So I just got to know about this. Thank you so much for taking such a big step. We would like to thank Vijay Akela ji. Thank you very much. And Suresh Kumar for writing such beautiful songs for her debut. This thing over here, Shipra Sur, and the wonderful, humble man, Arup Sur, for encouraging her in the singing journey. Thank you so much. Let's hear it, everybody, for Rithima Sur, who has started her career at the age of 5. Madam, aap wahan aaiye. So, Rithima, agla sawal aapke liye. कैसे रहा, मतलब मैं जानना चाहती हूँ अगर कुछ इंटरनल भी रहा, फैमिली का सपोर्ट, ग्रैटिट्यूड, अपार्ट फ्रॉम दैट हाउ वाज योर एक्सपीरियंस यू नो डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम? पहले तो मुझे आई डिडंट इवन एक्सपेक्ट लाइक मेरे साथ ये लाइक आई वुड इवन गेट दिस चांस, क्योंकि मेरा तब क्या बोलते हैं आई वॉज स्टडिंग फॉर माई पहले बोर्ड्स, मतलब बोर्ड्स के लिए मैं पढ़ रही थी तो गाना प्रैक्टिस चलता जा रहा था, वो तो मस्त है। लेकिन अचानक से पापा एक दिन घर पे आते हैं, कहते हैं कि गाना भेजूंगी प्रैक्टिस कर लेना। मैं लाइक हाँ क्या नहीं, मुझे लग रहा है पापा ने कहा था या मम्मी ने कहा था, मम्मी और पापा दोनों ने कहा था गाना भेजेंगे। ओके, मैं सोच रही थी क्या गाना, कौन से गाना। फिर पापा कह रहे थे एक सिनेमा हो रहा है, गाने का मौका मिला है, प्रैक्टिस करो और भी ज़्यादा। तो मैं लाइक क्या मतलब मैं इतनी खुश थी, मैं हैरान हो गई थी। पापा ने जब घर पे पापा और मम्मी दोनों कह रहे थे हाँ और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अच्छे से गाना है, बहुत अच्छे से गाना है। मैंने गाना कहाँ मतलब, उसके बाद डायरेक्टर अंकल ने पूरे गाने का जो म्यूज़िक है और फिर लिरिक्स भी मुझे मिला, विजय अकेला अंकल ने भी हिंदी के लिरिक्स लिखे थे तो व्हाट्सएप में मिल गया था पूरा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करने लगी और जब वहाँ पहुँची और भी मतलब खुश थी, क्योंकि ज़िंदगी में ऐसे मौका बहुत कम मिलता है। और इन्होंने मतलब मेरे पापा फिर भी कह रहे थे वहाँ पहुँचने के बाद भी कि मतलब इसे चांस मत दीजिए, रुकिए, हमारे गाने में इतने सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, मतलब इन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत एक लेवल में गाना चाहिए ना। तो इन्होंने मिस्टर सजीव ने मतलब फिर भी मतलब पुश कर करके कहा कि नहीं यही गाएगी, इसीलिए इनको मैं क्या बात है, इनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती, थैंक यू सो मच। तो इनके लिए मुझे ये मौका मिल गया और हम स्ट्रेट 5 दिन के लिए हम 4 दिन थे हाँ तो हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे और मुझे इतना मतलब ज़िंदगी में कभी भी द मोस्ट
मतलब फन थिंग, मतलब जो मैं मुझे खुशी मिली करके, मतलब जिंदगी में नहीं लगा कि मतलब इतनी खुशी मिलेगी इतना गाना करके. सही बात है. It was really good. It was a really gratifying experience. I cannot be grateful enough. Like literally, it's the best thing that's ever happened to me. Thank you. I'm so grateful. Thank you. We can see your feelings actually. We can feel it actually. हाँ, या तो वो या फिर बेस्ट रहेगा कि जो फिल्म में गाया वो गा दीजिए. तन्हा दिल की बेचैनिया छाई है मन पे वीरानिया, वादे भी सुने और ठहरे नजारे, दिल ये हमारा तेरा रास्ता निहारे. तन्हा दिल की बेचैनिया छाई है मन पे वीरानिया. क्या चलिए, 3, 2. अच्छा, अगले नंबर पे खोल ही देना है आप लोग को, अनवील करना है. वंडरफुल, क्या बात है. अभी एक पिक्चर मोमेंट हो जाए कंप्लीट टीम के साथ. मैं चाहती हूँ कि टीम एकदम विजिबली खड़े हो जाए. इतना अच्छा म्यूजिक लॉन्च आज यहाँ पर हो रहा है, बहुत अच्छा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है. ये फिल्म जो है इतनी अच्छी बनी है, अभी हमने कुछ उसकी झलक देखी है और उसके गाने भी सारे सुने हैं. मैं जो हमारी प्रोड्यूसर साहिबा हैं क्षिप्रा जी और अरूप जी, इन दोनों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबादी देता हूँ. ये फिल्म आज के ज़माने में गोल्डन जुबली तो नहीं बोलते हैं, लेकिन कम से कम 25-30 करोड़ का बिजनेस करे, यही दुआ करता हूँ मैं, ये दुआ करता हूँ. और बहुत अच्छी फिल्म बनी है. ये बिटिया ने अभी बहुत अच्छा गाया है और बहुत अच्छी सिंगर है, बड़ी इंस्पायरिंग है. और मुझे लगता है कि इनका भी ज़बरदस्त करियर है आगे. और संगीतकार जी सजीव, बहुत अच्छा म्यूज़िक दिया है इन्होंने भी. और हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर विजय अकेला साहब जो हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और इन्हीं के कहने पर मैं आज यहाँ पर आया हूँ. और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस इतनी अच्छी टीम से मेरी आज मुलाकात हुई है, और मैं इस टीम को बधाई देता हूँ. स्पेशली दिलीप साहब हमारे बीच में हैं, मेरे बड़े भाई हैं, उम्र में शायद हो सकता है मैं इनसे बड़ा हूँ, लेकिन संगीत के मामले में मेरे बड़े भाई हैं, और मैं इनकी भी बहुत इज्जत और तारीफ और मोहब्बत करता हूँ. और मैं चाहूँगा विजय भाई, दिलीप भाई से दो शब्द. दिलीप साहब के बोलने से पहले दो शब्द मैं भी बोलना चाहूँगा. बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप ही कीजिए. अरूप साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ खास तौर पे इस वक्त, और कहना ये चाहता हूँ कि कौन प्यार है और क्रिश के बाद गीत लिखने के बाद और आशा भोसले जी का एल्बम लिखने के बाद और खयाम साहब के बाद मैंने बिल्कुल काम करना छोड़ दिया था. जिस तरह आपने कहानी सुनाई हमें और हमें आज़ादी दी लिखने की, और फिर जब मैंने आपसे मांग की कि आप मुझे आशा भोसले दे मुजरा के लिए, और आपने कहा कि हाँ जाइए बात कीजिए, ये सब इतनी आज़ादी आपने दी है, बहुत कम मिलती है बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में एक शायर को ये आज़ादी. तो मैं आपको बधाई देता हूँ श्रवण भैया, आप आए इस मौके पे. और सजीव, यू आर अ जीनियस. शिप्रा जी, किस तरह आपने गाया है रिधिमा, बहुत अच्छा. अब दिलीप साहब को मैं देता हूँ माइक के कुछ बोले. जी हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा पहले तो मैं गाना ही गा लेता हूँ ना, तो क्या होता है कि ये गाना जब तक नहीं गाता हूँ तो मुझे घबराहट सी होती है, खुलबली होती है. तो मेरी बेटिया के लिए गाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इतनी कम उम्र में इस बच्ची ने इतनी बड़ी फिल्म में गाया. और मैं आपको ये बता दूं, फिल्म सुपरहिट क्यों हो गई है इसका भी रीज़न पूछ तो लीजिए. हिंदुस्तान में पहली मर्तबा किसी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में दो कलाकार आए हैं, और दोनों 90 के दशक के अपने अपने में
सरवन जी का मतलब इनका नाम मतलब और दिलीप सेन, समीर सेन, नदीम सरवन, ये दो ऐसे नाम है जो 90 के दशक के आज भी लोग याद करते हैं। तो संजीव जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दोनों ने आके अगर आपका म्यूजिक पसंद किया है तो पब्लिक को करना ही करना है, इस म्यूजिक को कोई रोक नहीं सकता। रही बात हमारी बिटिया की, तो मैं आप सबों के सामने इस बात का प्रॉमिस करता हूँ, क्योंकि रहती बाहर जरूर है मगर जब भी होगा बेटा आप मेरे म्यूजिक डायरेक्शन में जरूर गाएंगे हम दोनों भाइयों के। और फिल्म में तो क्या है, देखिए तो फिल्में तो सभी बनती है, सभी अच्छी होती है, क्योंकि जब हम कोई भी फिल्म करते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि भाई हमारी फिल्म बहुत हटके है, मगर इसका जो सब्जेक्ट मुझे महसूस हुआ कि एक लड़का इश्क में पागल हो जाता है, मतलब वो ब्रह्मचारी जैसा मतलब सीधा साधा लड़का है, हाँ वो इडियट नहीं कह सकते, वो भावुक होगा मेरी तरह है। और विजय जी वाकई में आपकी पहचान, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम तीनों के साथ खड़े हैं, आप जब जब भी आए अपनी एक अलग पहचान बनाई, और ये फिल्म आपको बहुत, ये जितनी भी कहो ना प्यार है या कृष्ण के अलावा, ये आपको एक नई पहचान देगी। अभी तक आपने कहा ना काम करना बंद कर दिया, अब लोग आपके पीछे भागेंगे कि हमारे साथ काम करो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ये पिक्चर को बहुत सुपरहिट करेंगे, और ख़ास करके मेरे साथ महमूद जी जो जिस फिल्म में ये होते हैं वो फिल्म ज़रूर हिट होती है, और इनका प्यार और आशीर्वाद होना। और मैं वसीम साहब से गुजारिश करूँगा कि जरा दोस्त मिनट आके अपना चेहरा चांद से दिखाए यहाँ पे, क्योंकि दिन की बदौलत मैं आया हूँ। ये भाई एक ऐसी पब्लिसिटी जिंदगी है कि ये ना हो तो दिलीप सेन और आप हमको ही नहीं हो, और मैं इनके लिए चाहूँगा कि एक बार तालियां इसलिए बजाइए क्योंकि हम सबको घेरने में इनका बड़ा हाथ होता है, बड़ा प्यार होता है। और बेटी आप भी आ जाओ, बहुत अच्छा बोलती हैं आप, क्योंकि मेरे को चाहता हूँ मैं एक मेरे साथ फोटो खींच ले। ये बेटिया भी बहुत अच्छी था, आपका नाम नहीं जाना मैं, नादिया हकानी। ये फिल्म 2020 की म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होगी, क्योंकि इस फैमिली के नाम में ही सुर है, तो इतने अच्छे म्यूजिकल दिग्गज यहाँ पे खड़े हैं और इनकी फैमिली, इनकी कंपनी का नाम सुर है, सो इसको म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड 2020 इज़ अ इक्वल ईयर 20 एंड 20, तो ये हस्बैंड एंड वाइफ की जो जोड़ी है ऊपर वाला, इनको और कामयाब करे और इसी साल की तरह इनको हज़ारों साल की उम्र दे म्यूजिक में। थैंक यू, थैंक यू सर। नए साल के शुरुआत में हम लोग ये इतना अच्छा एक काम कर पाए सबको लेके, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। सच में हम लोगों ने इतना नहीं सोचा था कि सब आप लोग आएंगे और इतना बड़ा एक हम लोग इतना बड़ा करके इसको मना पाएंगे। सबको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों का पहला ये जो कोशिश है इसको इतना बड़ा मकाम देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। एक राइटर के लिए कुछ बोलने से लिखना थोड़ा इजी है, तो इसके लिए मेरे को, मुझे ज़्यादा खास कुछ बोलना नहीं आता है, जो मेरा फीलिंग्स है मैं नॉर्मली वो पेपर में लिख देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आप लोगों को सबको इधर आज हम लोगों को पाने के लिए, हमारी एक प्रोग्राम के लिए। और हम लोग, मैं बेसिकली बहुत आई वांट टू से थैंक यू टू विजय अकेला सर एंड वसीम भाई दैट दे ब्रिंग दिलीप सर एंड नाजिम श्रावण जी सर, एंड इनके बारे में मेरा खाली एक ही कहना है कि मेरी बेटी लोग हमेशा मुझे बोलते तुम जब भी रहते हो 90s के गाने सुनते हो, तो जो लोग 90s में अपना यूथ बिताया अभी इधर में जिन लोगों ने, वो लोग दे कैन फील दैट दैट इज़ द गोल्डन एरा ऑफ आवर इंडियन हिंदी म्यूजिक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच दो शब्द कहने के लिए। और सभी लोग प्लीज बैठे रहिए, बस एक एक अनाउंस, जाबिर अली खान एंड अतुल पांडे। थैंक यू वेरी मच। और एक नाम ऐड करना है जीशु जी का, उन्होंने पूरा सब काम में, यशुदास सर थैंक यू सो मच, हम लोगों का इतना तक लाने में उनका बहुत बड़ा, वंडरफुल सही में। नमस्कार, आई एम संजीव मंगलत फ्रॉम केरला। It has been wonderful experience, and of course I got world class singer for this movie, and one of the world class lyricist, and my dream of composing song for Ashaji has come true. So if my knowledge is correct, I become the first Malayalam music director to compose a song for Ashaji from Malayalam.
इतने अच्छे म्यूज़िक बने हुए हैं, खास करके सर की बात करें और म्यूज़िक की बात करें और म्यूज़िक लॉन्च की बात करें, फिल्म की बात करें, क्या कुछ कहना चाहिए? शायर हो तो इसको म्यूज़िक लॉन्च के साथ साथ लिरिक्स लॉन्च भी कहूँगा। ये लिरिक्स म्यूज़िक लॉन्च है और फिल्म का फर्स्ट लुक है, पोस्टर है। बहुत अच्छी फिल्म की कहानी है जो हमें सुनाई गई थी और इन्हें सुनाई गई थी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर सजीव को, और इसमें गाने के भी काफ़ी स्कोप थे जो हमने लिखे थे। और अच्छी बात तो ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं और डायरेक्टर साहब स्पेशल, इन्होंने ज़रा सा भी उसमें कोई छेड़छाड़ जिसको कहते हैं वो नहीं किया, तो लिखने में बहुत मज़ा आया। एंड ट्यून पे लिखे गाने हमने और कुछ ऐसे लिरिक्स जिस पे इन्होंने ट्यून किया। सबसे मज़ा तो जब आया जब आशा जी का मुजरा हुआ, जिसको आपने देखा सुना, वो दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। वो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। दिल की बात कीजिए, यूँ हंसी न कीजिए, आपको मेरी कसम दिल लगी न कीजिए, वो जो मुजरा है वो सचमुच बहुत अच्छा था। आज मौका मिला है, कल मिले कि ना मिले हिंदी नहीं आते रिगार्डिंग द फिल्म एंड द म्यूजिक। नमस्कारम, आई एम सजीव मंगलत फ्रॉम केरला। It been wonderful experience and of course I got a world class singer for this movie and one of the world class lyricist and my dream of composing a song for Asha ji has come true. Yeah. So if my knowledge is correct, I become the first Malayalam music director to compose a song for Asha ji in Malayalam film history. It is a wonderful achievement and milestone in my life. It was fortunate that Sri Vijaya Kelai, lyricist, have been able to make music too. मैं एक बार जोड़ना चाहूँगा कि वो दृश्य अगर आपने देखा होता तो कितना मज़ा आता आप सभी को, जब आशा जी जान नहीं रही हैं मलयालम लैंग्वेज और ये हिंदी नहीं जान रहे हैं, और किस तरह आपने किस तरह अपने भावों से इन्होंने समझाया और उन्होंने समझा, बहुत अमेजिंग था। इसको अच्छा गाने बहुत पसंद आया था लेकिन वो कनेक्शन नहीं बन रहा था खाली लैंग्वेज के लिए, बट वो फिर दूसरा दिन आके इतना अच्छे से गाए वो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए दिलीप साहब, वो मौका बड़ा कमाल का था जब मलयालम आशा जी नहीं समझ रही थी और इनको हिंदी नहीं आती थी और फिर भी भावों से गाने को गाया और इन्होंने समझाया। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा दीदी के लिए, दिलीप जी पूरी फिल्म को एंटायर टीम को शुभकामनाएं होगी, खास करके म्यूजिक लॉन्च के और जैसे भी ये लोग अपनी बातें शेयर कर रहे थे आशा जी के साथ, हिंदी नहीं आती उनको मलयालम। आशा जी के लिए तो बेटा मैं ये बात जरूर कहूंगा कि ये परिवार ऐसा, मंगेशकर परिवार ऐसा है कि दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है कि जो उनको नहीं आती है, बल्कि मैं समझ रहा हूँ भाषा को उनको समझना पड़ता है। हाँ, क्योंकि आशा जी की एक ग्रेटनेस मैं आपको ये बताऊंगा, जब वो कोई नए कलाकार को या कोई नए संगीतकार को देखती हैं, क्योंकि हमने भी जब उनके साथ पहली मरतबा काम किया था तो बिल्कुल वो बच्ची बन जाती हैं और बच्ची बन के वो सीखती हैं कि आप बताओ तुमको क्या क्या आता है। तो यू आर वेरी लक्की कि इस उम्र में भी उन्होंने मतलब तुमको एक छोटा सा लाडला समझ के तुम्हारे साथ बराबर की उम्र की बन के और उन्होंने गाना सिखा। ये उनके परिवार की बहुत बड़ी बात है कि कभी भी उन्होंने मतलब, मैंने तो दोनों बहनों जी के साथ में काम किया, बड़ी दीदी लता जी के साथ भी काम किया, आशा जी के साथ भी काम किया, तो मैं आपको ये अपनी अपना अनुभव ये बताना चाहूँगा कि कभी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया कि वो इतने दिग्गज हैं, इतने महान हैं। उन्होंने हमेशा ये कहा नहीं जो तुमको आता वो सुनाओ। तो यू आर वेरी लक्की सर। दूसरी बात, मैं संजीव नहीं बूटी की तरह आपका नाम है मतलब सजीव, तो मैं इनसे ये कहूँगा आप लोगों को, मीडिया को, कि देखिए एक साउथ से लड़का आता है और हिंदी मलयालम में, मलयालम ना हाँ, उसमें इन्होंने ट्राई किया, दोनों में अव्वल निकले और नई बच्ची को जो इन्होंने गवाया है रिद्धि को, मैं समझता हूँ कि ऐसा लगता नहीं कि इतनी छोटी उम्र की बच्ची ने इतने प्यारे गाने गाए हैं। और अकेला साहब का तो कहना ही क्या है, इन्होंने तो जब जब काम किया है तो छप्पर फाड़ के किया है, धुआंधार किया है। और ये हमारी बहन जी है, बहुत अच्छी प्यारी बहन जी, और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि हमारी बहन जी खुद बहुत अच्छी भरतनाट्यम की अदाकारा है, बहुत अच्छी टीचर भी है और इन्होंने बहुत अच्छा कोरियोग्राफ किया, जो इस फिल्म की डिमांड थी उस हिसाब से आपने काम किया। और मैं बस यही आप लोगों के सामने माध्यम से इन लोगों को दुआएं देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए
नया साल में ये पिक्चर आ रही है तो हमें तो पसंद आई है, और इसलिए पसंद आई है क्योंकि आज पहली मरतबा श्रवण जी और मैं, यानी दोनों भाई राजस्थान के, कि ये पहली मरतबा किसी म्यूजिक लॉन्च में दोनों एक साथ में आए हैं, कि दो दिग्गज संगीतकार, दिग्गज मतलब मेरे लिए वो दिग्गज ही हैं कि वो आके यहाँ साथ में मेरे खड़े रहे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इस फिल्म को हिट होने की ये सबसे बड़ी पहचान ही है कि श्रवण जी का आना और हम सबका यहाँ जमा होना, और ख़ास करके इतनी सारी मीडिया का जमा होना, आमीन आमीन, बहुत बड़ी बात। को लेके और क्या कुछ कहना चाहेंगे इंटायर टीम को लेके, आपके टीम को लेके, लोग इतने बड़े बड़े लोग या इस शुभ अवसर पर आए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो सबसे बड़ी बात वही है, वही बोलना चाहूँगी कि म्यूजिक लॉन्च इतना बड़े हस्ती लोगों के साथ होगा, ये हम लोगों के लिए पहला टाइम के लिए हम लोगों के लिए एक बड़ा ब्लेसिंग्स है, ये बोलना ज़रूरी है। और बहुत एक्साइटमेंट था, अभी भी चल रहा है मन में, कि लोग जब पूरा सुनेंगे इनका रिएक्शन कैसे आएगा सबके दिल में। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, और बेसिकली सजीव जी ने जो म्यूज़िक डाला है, हम लोग ने भी जब सुना था, वो बहुत दिल छूने वाली थी। अभी सबको बहुत पसंद आए, यही हम लोगों के लिए मन में यही दुआ है। और म्यूज़िक सब थीम देने के बाद भी सजीव जी केरल का है बोल के भी, उन्होंने जो हिंदी के लिए भी जो अप्रोच सुन के बनाया म्यूज़िक का, वो हम लोगों को बहुत पसंद आया था, क्योंकि उनको हिंदी एकदम आती नहीं है। तो एक्चुअली ये बात सबसे बड़ी बात है, एक हिंदी को समझ के म्यूज़िक देना और उसको लैंग्वेज में बिठाना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे कोशिश भी किया, बोलना नहीं चाहिए, पूरा उन्होंने मेहनत करके दिया। और आशा जी और शान जी को मिलने के बाद इसमें तो हम लोगों का और भी और एक एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई लाइफ की। जब ही मुजरा सॉन्ग की बात आई थी, तभी मेरा हस्बैंड को भी वही दिमाग में था कि वो गाए तो हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग नए हैं तो। लेकिन आशा जी जब हाँ बोले, और रिकॉर्डिंग के टाइम मैं ही थी उनके साथ, जो एक्सपीरियंस बना, शान जी भी वही है, बहुत अच्छे से उन्होंने गाया कि नया बोल के एक बार ही गा के छोड़ दिया, जैसे भी हो तैसे भी हो, ऐसा नहीं है, उन्होंने पूरा मेहनत से गाने को गाया, तो यही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पाह है। थैंक यू। गाने की बात चल रही है और आपकी आवाज़ यहाँ सुन रहे थे लोग जब बैठे हुए थे, तो लोगों की सांसें ही नहीं बल्कि सांसें भी थक गई, क्या कहेंगे, कैसे कर लिया आपने ये गाना? पहले तो जब गाना भेजा था मुझे, तब मुझे लग रहा था कि मुश्किल है कैसे करूं। और जब मैं जा रही थी, क्योंकि इतने सारे लेजेंड्स गा रहे हैं सिनेमा में, एक लेवल में मतलब मेहनत करके गाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सजीव अंकल और विजय अकेला अंकल दोनों ने, मैं जब स्टूडियो में गई थी, चिंता मत करो, हो जाएगा, और ये भी मतलब इतना स्ट्रगल करते हैं मुझे समझाने के लिए, ऐसे कर, हो जाएगा। तो इसीलिए मतलब वो सपोर्ट, और मेरी मम्मी पापा और मम्मी दोनों मिलके मतलब कह रहे थे और भी प्रैक्टिस करो, पर जब मैं मतलब डांटते भी है, मतलब कह रहे थे अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, इतने लेजेंड्स हैं, अच्छे से नहीं करोगी तो क्या होगा। पर जब वहाँ चली गई, मतलब स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग के लिए गई थी, तब मतलब जब मैंने पहले मतलब पैर रखा था, मतलब सारे जो डर थे, नर्वसनेस था, I was like, okay, अब मैं गा सकती हूँ, बहुत मज़ा आया लेकिन गाना करके। काफ़ी कॉन्फिडेंस है आपने। सब्जेक्ट पूरा तो नहीं बताएंगे, फिर भी आपको थोड़ा ये रखेंगे क्योंकि नए हैं। ये एक बेसिकली लव स्टोरी है, एक लड़का नॉर्मली इंजीनियर है, वो बॉम्बई आता है, उधर फ्रेंड के थ्रू बार में जाके एक लड़की से कैसे मोहब्बत हो जाती है, वो लड़की उसके चक्कर में आके कैसे नॉर्मल लाइफ में वापस आती है, यही स्टोरी है। बहुत कुछ ऑब्स्टेकल पार करके वो लोग कैसे आते हैं, बीच में बहुत कुछ है उन लोगों का, वही आप लोगों को देखना है। ये सस्पेंस थोड़ा रहेगा, लेकिन हम लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा लगेगा। और ये एक्चुअली मेरा हस्बैंड ने ये स्टोरी लिखा है, तो बेसिकली उनका कुछ खुद का कुछ एक्सपीरियंस था, उनका दोस्त का ये लाइफ, उनके साथ कुछ हुआ है, ये रिएक्शन उनका दिल में बहुत असर किया था।
तो ये लेके वो बहुत दिन से सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि ये कुछ मेरे को लिखना है, ये बहुत दिल को छुआ है। तो मैंने बोला आप स्टार्ट तो करो, स्टार्ट करेंगे तभी ना पता चलेगा। तब उन्होंने जब लिखते गए एक मोड़ के बाद एक मोड़ आता गया, तब लग रहा था कि कुछ बन रहा है, एक जो एसेंस बनता है एक पूरा चीज़ बनने के टाइम। तो अभी खड़ा होकर आप लोगों के सामने आएगा म्यूज़िक, तो आप लोगों के सामने आज आ ही गया। कोशिश करते बाकी पूरा फिल्म भी रिलीज़ होने के पहले, अब जब आप लोग थोड़ा ये देखेंगे बाद में, तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। हम लोगों को लगता है फरवरी मार्च तक हम लोग कर पाएंगे पूरा, बाकी प्रोसेस क्लियर करके आप लोगों के पास ला सकते। स्टारकास्ट मानव जो है वो केरल से ही है, क्योंकि ये फिल्म हम लोगों का दोनों लैंग्वेज में बन रहा है, नॉट डबिंग फिल्म, पूरा पूरी दो लैंग्वेज में बन रहा है, एक मलयालम एंड हिंदी। मानव फ्रॉम केरला एंड रिचा जोशी, शी इज़ अ न्यू कमर मॉडल एक्चुअली, शी इज़ फ्रॉम मुंबई एक्चुअली। दैट फेस ऑल्सो वी नीड टू क्लोज दैट बिफोर। बिटिया को भी लॉन्च करेंगे, अब आप लोगों की मदद भी चाहिए। आज ही आप लोगों के थ्रू ही लॉन्च करने की कोशिश थी ये, क्योंकि वो एक्चुअली इधर रहती नहीं है, ये वो यूके में स्टडीज़ के लिए अभी ज्वाइन किया, इसलिए उसके मुताबिक ही ये थोड़ा टाइमिंग हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ा। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतना हेल्प किया, थैंक यू। सिनेमा लोगों को बहुत पसंद आएगा, क्योंकि पहले तो ये जो कह रहे थे कि मुंबई में और केरल का, ये एक दो स्टेट्स के बीच में कल्चरल डिफरेंस के मतलब हाईलाइट कर रहा है सिनेमा, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, पब्लिक को अच्छी लगेगी होपफुली। थैंक यू। कैसे जुड़े हैं इस फिल्म से और क्या कुछ कहना चाहेंगे और क्या दिख रहा है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपको क्या दिख रहा है इस फिल्म? ये एक म्यूजिकल फिल्म है, दो कल्चर मलयालम और हिंदी के बीच का एक कल्चर का एक संगम है, तो अच्छा एक इन्होंने म्यूजिकल चीज़ों को जोड़कर उस संगम को वो दिया है, रिश्ता दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इस साल की म्यूज़िकल ब्लॉकबस्टर होंगी। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, आशा जी का गाना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल में ये अच्छी एक म्यूज़िक लोगों तक पहुंचेगी। डॉन पे भी देख पाएंगे लोग? डेफिनेटली डॉन यहाँ है, क्योंकि जब भी नए लोग डिजिटल ऑनलाइन ऑफकोर्स यस, मेरे बच्चे का मैं प्रमोट नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बाकी रही बात डॉन की, तो पूरा डॉन सिनेमा इन लोगों के लिए है, पूरी फैमिली के लिए है, और इनका जो क्योंकि डॉन सिनेमा पे साउथ वर्शन भी है, तमिल तेलुगू मलयालम भी है, तो मलयालम के लिए बिल्कुल हम प्रमोट करेंगे, और अगर डिजिटलाइज हमारी चीज़ें जम जाती है तो डेफिनेटली आई विल रिलीज द फिल्म इन ऑन माय डिजिटल प्लेटफॉर्म। सुर सर, आपका एक्साइटमेंट भी जानना बड़ा ज़रूरी है ऐसे मौके पर, लोगों ने तो अपने वक्तव्य बयां कर दिए, आपका? एक्चुअली एक राइटर के लिए बोलने से लिखना ज़्यादा अच्छा है, तो ये आप लोग जब मूवी देखेंगे तब समझ जाएंगे कि मैं क्या लिखा ओरिजिनली। तो ये एक्चुअली बेसिकली लिटिल बिट ए ट्रू इवेंट के ऊपर ही है मूवी, और ये जो कैरेक्टर आप लोग देखा ऑलरेडी मुंबई में आप लोगों को मालूम है बार क्या होती है और डांस बार के, इट इज़ बेसिकली ऑन दैट। कब तक देख पाएंगे दर्शक? हम लोगों का प्लान है बाय दिस मंथ एंड फॉर सेंसरिंग, और फेब्रुआरी मिड फेब्रुआरी में रिलीज का टारगेट है। थैंक यू।